तो क्या हालचाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें अलवेश यादव एंड एजाज खान के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा ना, रिसेंटली एजाज खान ने धमकी दी थी अलवेश यादव को। तो गाइस एजाज खान का उस वाली वीडियो का रिप्लाई देते हुए अलवेश यादव एंड रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील अपलोड करी थी ना, जिसमें कि उन्होंने एजाज खान को चैलेंज दिया था कि एजाज खान तुम मेरे को मैसेज कर दो, तुम जहां मिलने बोलोगे हम लोग मिल लेंगे। तो गाइस अलवेश यादव एंड रजत दलाल का रिप्लाई दिए एजाज खान आज अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील अपलोड करते हुए, आप वो खुद देख लीजिए ना। वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बम्बई आए हुए बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बम्बई किधर है और एड्रेस किधर है, अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहां भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी, वन मैन आर्मी हूं मैं, भेद लोकेशन किधर है तू। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर लेना नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है अलवेश यादव के बारे में। तो गाइस अलवेश यादव थोड़ा सा ट्रोल कर दिए ध्रुव राठी को अपने रिसेंट ब्लॉग में। तो गाइस रिसेंटली ध्रुव राठी ने अलवेश यादव के अगेंस्ट में दो वीडियो अपलोड करी है ना, तो उस चीज का रिप्लाई दिया अलवेश यादव अपने रिसेंट ब्लॉग में। वो क्या बोले वो आप खुद देख लीजिए ना। दूसरी चीज मैंने तो वो देखी, ध्रुव भाई ने हम पे दो वीडियो निकाली। एक चीज तो है कि भाई को हिट तो करा दिल पे ना, यहाँ पे ध्रुव भाई के इधर लगा दिल पे एकदम चोट लगी एक ही वीडियो से। तो भाई ने पर्सनल अटैक कर करके एक वीडियो उसके एक के बाद एक दूसरी वीडियो लिख तो रखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को रिप्लाई दिया कर भाई को रखा। स्पेशल तो हूँ मैं ध्रुव भाई की लाइफ में, अभी मैं देख रहा था, मैंने अभी पूरी वीडियो देखी नहीं, ठीक है। तो भाई ध्रुव भाई एक बार मेरे को ये बता देना, तुमने एक वीडियो दो वीडियो तीन कितनी निकालनी है, क्योंकि उसके बाद ना सारी कंपाइल करके मैं एक ही निकाल दूंगा यार, मेरे को शौक नहीं है, चाहे वो 2.5 घंटे की बनती हो चाहे वो 2 घंटे की बनती हो, ठीक है, मुझे शौक नहीं है भाई बार बार तुम्हारा नाम लेके। तुम पे तो धंधा है नहीं, अब इलेक्शन खत्म होगा तुम्हारा धंधा खत्म होगा, अब दोबारा विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें दोबारा पैसे आ जाएंगे तुम पे भाई हैं। तुम ट्रिप व्रिप पे जा सकोगे भाई भाभी के साथ, तुम बालक वालक भी होने वाला, तुम्हारे मुबारकबाद हम दे देते हैं तुम्हें, ठीक है। तो अपने पूरी ढंकी अपने सारा हो गया, वो निचोड़ तो मेरे को मैसेज कर देना, फिर मैं कल से फिर दोबारा चालू कर दूंगा ये सारी चीजें जो जो मुझे डालनी, मुझे पता क्या क्या डालना है ये भी पता, डोंट वरी। यानी बाकी ध्रुव भाई के ऊपर वीडियो भाई बहुत जल्दी आ जाएगी, अभी मैं एक बार देखूंगा कल इसकी वीडियो क्या कर रखा है इनने क्या नहीं, कुछ पर्सनल अटैक बच्चों वाली बातें कर रखी होंगी तो अलग बात है, पर इस बार मैं तेरा ऐसा निचोड़ कर दूंगा, तीसरी वीडियो बनाने लायक निचोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो तेरा डंका निचोड़ करेंगे, सारे पॉइंट हम पे भी रेडी है, साढ़ा झूठ बोल रही है दोनों वीडियो में, ढंग से झूठ बोल रही, ठीक है, जो इससे पिछली थी। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर लेना नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो गाइस थारा भाई जोगिंदर भी एजाज खान को कुछ ये बोल दिया आज अपने इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करते हुए, वो आप खुद देख लीजिए ना। एल्विस एक बार ना इस एजाज खान की लोकेशन मांग मुंबई के अंदर, ये आ नहीं सकता लोकेशन पर, इस पड़ेगा ये हरियाणा वाले से फालतू बोलेगा, और रजत अगर ये मिल जाए ना इसकी गुद्दी पकड़ के दबा दिया हाथ के नीचे बस, और इसको बता दिया कि कितनी पावर होती है, एक बार जहां से पकड़ लेते ना हरियाणा वाले छुड़वा नहीं सकते। तुम आजकल के पिल्लाओ, तुम्हारे अंदर हवा आ गई है, मुंबई के अंदर अगर सेलिब्रिटी रहते हैं फायदा तुम लोग उठा रहे हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट मानते हो कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है। अबे झाटू फ्लो पैक्टर, तेरी मुंबई के अंदर तो इज्जत है नहीं, तू आएगा दिल्ली NCR के अंदर तू धमकी देगा है। एल्विस से मेरा 36 का आंकड़ा हो, पर अगर बात अपने भाईचारे पे आ गई ना तो अपने भाईचारे के साथ खड़े हैं, और ये तो शुरुआत है। अगर तूने गलती से भी हमारे हरियाणा के किसी भाई या किसी इन्फ्लुएंसर को भी टच कर दिया, ये अगली बार माफी मंगवा दी, तेरे को फॉर्चूनर में भर के सीधा हरियाणा के गेट पे एंट्री होगी तेरी, और तेरा स्वागत होगा बढ़िया तरीके से बाउंसरों के साथ। हरियाणा के जो बालक होते हैं ना उनके डोले भी 17-17 इंची के होते हैं, जो तू ये फॉर्चूनर लेकर घूमता है मत दिखाएगा, हर घर में फॉर्चूनर खड़ी है हरियाणा के अंदर। अपने मुंबई के अंदर कुत्ता पालना, पर हरियाणा के लड़कों के सामने भैम मत पालना, वरना ऐसा भैम निकालेंगे कोई बचाने नहीं आएगा।